Hi guys, welcome back to another video. This is Mohsin and you are watching Riding Whales. आप सबको आज मैं हार्ले की बाइक्स दिखाने वाला हूँ. अगर मसल और क्रूजिंग और टूरिंग बाइक्स की बात करें तो दीज आर द नंबर वन इम्पोर्टर्स इन पाकिस्तान द हार्ले स्टोर. चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं. अच्छा गाइज, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. हमारे साथ यहाँ पे THS द हार्ले स्टोर के सेल्स मैनेजर तारिक साहब मौजूद हैं जो हमें बाइक्स के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन बताएंगे. जी तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. अच्छा तारिक साहब, मुझे अल्लाह का शुक्र, मुझे इसके बारे में बताइएगा, इसका क्या नाम है और कितने CC है, ये कौन सा मॉडल है? सर ये इसको कहते हैं फैट बॉय. ठीक है. ये 1800 CC बाइक होती है. अच्छा जी, 1800 CC है. जी ठीक है. और ये 2018 का मॉडल है. ठीक है, 2018 मॉडल है. ठीक है, और इसकी प्राइस क्या है? ये सर इसकी प्राइस है 5.8 मिलियन. 5.8 मिलियन. ठीक है, 5.8 मिलियन इसकी प्राइस है. और ये अनरजिस्टर्ड है? ये अनरजिस्टर्ड है. ठीक हो गया. ये सब हमारी USA इम्पोर्ट हो रही होती है. ठीक है, USA इम्पोर्ट है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके आ जाए तो इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं सॉफ्ट टेल स्लिम. सॉरी, सॉफ्ट टेल स्लिम. सॉफ्ट टेल स्लिम, इसको सॉफ्ट टेल स्लिम बोलते हैं. और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आर्मी ग्रीन कलर है इसका. बिल्कुल ठीक है, जो कि इसकी मतलब खूबसूरती को वो कर देती है. कलर इज ब्यूटीफुल, ये आप देख सकते हैं. अच्छा, मुझे बताएं कि ये कितने CC है? ये 1802 CC है. 1802 CC है. ठीक है, और ये भी यूज में है? ये भी अनरजिस्टर्ड है. अनरजिस्टर्ड है बट यूज में है. यूज इस तरह होती है कि ये वहाँ पर चली भी होती है. ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल स्लाइटली. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली चली भी होती है. और ये माइल्स में होती है. माइल्स में होती है. बिल्कुल ठीक है, स्लाइटली चली होती है. ये फिर वहाँ से इम्पोर्ट होती है. बाकी इनकी कंडीशन मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल कंपैरेटिवली न्यू है. बिल्कुल ये अनटचमेंट कंडीशन है. ये एक तरीके से ये 0 मीटर ही कंसिडर होती है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा जी, अब इस पे आ जाए, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं जी फैट बॉब. फैट बॉब जी, ये फैट बॉब है. ये जी, दिस इज द फेमस फैट बॉब. ये आप देख सकते हैं इसकी लुक. अच्छा सर, ये कितने CC इंजन है इसका? इसका भी ये मेरे ख्याल से 1700 CC इंजन है इसका. और जो है इसमें कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें हैं जो कि आफ्टर मार्केट लगी हुई है. ठीक हो गया. इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस हम इसकी आस्किंग कर रहे हैं 4.4 मिलियन. 4.4 मिलियन जी. फैट बॉब. ठीक है, 1700 CC बताया आपने. जी हाँ, ये जी आप देख सकते हैं 1700 CC फैट बॉब ब्लैक क्लोज में कलर है. ये आप देख सकते हैं व्हील्स. ये डिस्क ब्रेक्स हैं इसके? जी हाँ, ये डिस्क ब्रेक्स हैं इसकी. अलॉय रिम्स हैं, ये आप देख सकते हैं. अलॉय देख सकते हैं, काफ़ी सॉलिड है. अच्छा, इसमें ये जो चीज़ें हैं ये सब क्रोम है. जी जी, मैं देख रहा हूँ. ये इसकी हेडलैम्प्स हैं जी, जी. क्रोम्स हैं. ठीक है, ये सब ये आप देख सकते हैं. और ये क्रोम ऐसा है कि ये ख़राब नहीं होता. सही सही, ये हार्ले का अपना क्रोम है. बिल्कुल ठीक है. इसकी खासियत ये है कि ये जैसे जी हार्ले नॉन फॉर इट्स बिल्ड क्वालिटी. डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और ये बेसिकली क्रूजिंग बाइक्स हैं जी. ये आप देख सकते हैं, क्रूजिंग मसल बाइक्स हैं.
रिलैक्सिंग बाइक्स हैं और ये आपको 4.4 मिलियन में यहाँ पे पी एच एस स्टोर में अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू बाय। अच्छा जी, अब इसके बारे में बताएं, ये जो बीस्ट इधर खड़ा हुआ है ये है रोड ग्लाइड। रोड ग्लाइड जी, ठीक है, ये रोड ग्लाइड है ये। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अमेरिकन पुलिस वगैरह के पास भी यही वो यूज करते हैं इसे? जी हाँ, कुछ कुछ ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि इसमें ये पूरा इसका डैशबोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये स्पीकर्स हैं इसके, अच्छा ये वाटरप्रूफ, बिल्कुल ठीक है। कैमरा है, टीवी है, ये टच स्क्रीन है, ये टीएफटी स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है, ठीक है। और ये नेविगेशन वगैरह, फ्रंट कैमरा, अच्छा बिल्कुल चीज होती है इसके अंदर। और ये सब वाटरप्रूफ है इसका डैशबोर्ड, वाटरप्रूफ बिल्कुल ठीक। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम में हार्ले की बैजिंग मिल जाती है टैंक के ऊपर, दैट इज क्वाइट नाइस। इंजन पे काफी क्रोम, 110 का इंजन है। अच्छा, इस ये कितने सीसी बाइक है? ये भी तकरीबन ये 1700 सीसी, ठीक। और ये जो है इसके साथ ही है, ये स्टॉक में, ये इसके बैग्स हैं, बैग्स हैं, ये आप इसको सैडल बैग्स कह रहे हैं, लगेज बैग्स कह रहे हैं, लगेज बैग्स कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी क्रूजिंग बाइक है, बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, इधर और क्रूजिंग बाइक। अच्छा, यहाँ पे ये जो फ्रंट पे खड़ी है, आप मुझे इसके बारे में, ये भी क्रूजिंग बाइक है जी, ये भी। अच्छा, इसका क्या नाम है जी? इसको कहते हैं रोड किंग। रोड किंग जी, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन है ये, टॉप ऑफ द लाइन है हार्ले की, हार्ले की ठीक है, रोड किंग है। इसमें 103 का इंजन है, 103 का इंजन है। और ये कितने सीसी है जी? 1800 सीसी। और ये पूरी क्रोम्ड और ब्लैक के अंदर इसका पूरी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। This is only 2000 miles चली हुई बाइक है, बस 2000 miles चली हुई है, ठीक है जी। So almost new। और ये unregistered है या ये registered है बाइक? ये unregistered। Unregistered है, ठीक है। इसकी मुझे प्राइस बताएंगे? इसकी आस्किंग है 4.6 million। 4.6 million ये आप देख सकते हैं इसकी आस्किंग है। और इसके अंदर काफी सारी चीजें आफ्टर मार्केट की लगी हुई है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाइक, दैट इज लवली, दैट मस्ट बी द टॉप ऑफ लाइन। स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें, इसमें बहुत सारी चीजें जो आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, ठीक हो गया, अपने शौक की बात है, बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं, ये है ब्रेकआउट जी, ये जी हार्ले की ब्रेकआउट है, 2018 का ये मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। और ये कितने सीसी है जी? 1800 सीसी है ये, 114। और ये इंजन की डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, क्रोम में और काफ़ी खूबसूरती से की गई है, द लुक्स क्वाइट नाइस, ये आप देख सकते हैं। इसका जो ये कलर है बड़ा यूनिक कलर है, बहुत ही यूनिक कलर है, काफ़ी रेयर है ये जी। ब्रेकआउट में आपको ये कलर में बहुत कम नजर आएगी बाइक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रंट से आपको दिखा रहा हूँ, अलॉय व्हील्स हैं इसमें, लाइट इसकी काफ़ी खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, इसके बारे में मुझे बताइए, ये जो बाइक्स हैं ये 883 है, ये वाली 883 आयरन है मेरे ख्याल से, आयरन 883, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये होती है बिगनर्स के लिए, बिगनर्स के लिए जी। ये 2015 का मॉडल है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें स्टॉक लगा हुआ है, स्टॉक लगा हुआ है, ठीक हो गया। सिर्फ इसमें एग्जॉस्ट चेंज किया है इन्होंने, बेंसन हाइंस का लगाया आफ्टर मार्केट, ये जी इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है बेंसन हाइंस का, ये एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं इसका, दिस इज द ब्यूटी देयर एंड दैट मस्ट बी लाउड। ये बिगिनर्स के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करें, यहाँ पे जितनी भी बाइक्स है मैंने अभी तक देखी, यहाँ पे चेन नहीं है, आपको बेल्ट मिलेगी फॉर स्मूथ, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, दैट्स फॉर स्मूथिंग पर्पस, कि आपको जो क्रूजिंग के लिए काफी स्मूथ जो है राइड मिले, बिल्कुल ठीक है, दैट इज क्वाइट। ये है आयरन 1200, ठीक है, दिस इज आयरन 1200 जी, ये 1200 सीसी, दैट इज क्वाइट स्लीक, ये 1200 सीसी है। इसकी क्या प्राइस है जी? इसकी 31 इसके 2.5 मिलियन। अच्छा जी, ये 883 की प्राइस जो है 2.5 मिलियन है, 25 लाख। और यहाँ पे जो है इसकी क्या प्राइस बताई आपने? 31 मतलब 31 लाख की आपको बाइक मिल जाती है, 1200 सीसी। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड बाइक है, ये आप देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल है,
ब्लैक में इट लुक्स एक्स्ट्रा हॉट, ये आप देख सकते हैं। हार्ले लवर्स के लिए अमेजिंग चार्मिंग बाइक, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, इसकी तरफ आए, ये भी मेरे ख्याल से 883 है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एग्जॉस्ट रैप है, एग्जॉस्ट रैप लगा हुआ है, ब्रेदर लगा हुआ है, ये जी वेंसन हाइंस का जो है, इसमें एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ है, इसमें मीटर इन्होंने चेंज किया है, दूसरा लगा मीटर जो है चेंज है, आपका मोबाइल माउंट है, क्रूजिंग के लिए, नेविगेशन के लिए आप मोबाइल होल्ड पर लगा सकते हैं। ये इसके मिरर्स हैं, टैंक इसका काफी खूबसूरत है। व्हाट कलर, आई थिंक इट्स क्रीम कलर, क्रीम मेटालिक, जी जी क्रीम। ये हार्ले डेविडसन की आपको बैजिंग नजर आएगी यहाँ पे 99, ये भी आई थिंक आफ्टर मार्केट है। पीछे ये आपको पैसेंजर सीट मिल जाती है, और ये लेदर सीट्स हैं, काफी सॉलिड है और कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल जो ये है, ये आपको ये देखेंगे थोड़ा सा इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप बैठते हैं जी जी, इसमें मुझे बैठ के दिखाएगा जरा पोजीशनिंग इसकी, ये ऐसे पोजीशन हो जाती है इसकी, ब्यूटीफुल। ओके जी ओके, आप अगर इस पे राइड करेंगे तो राइड भी काफी कंफर्टेबल होगी फॉर श्योर। और हार्ले की बाइक्स हैं तो ये प्रीमियम बाइक्स हैं, और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी क्या प्राइस बताइए जी आपने सर? इसकी हम आस्किंग है 2.3 मिलियन, और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 2.3 मिलियन इसकी आस्किंग है। और ये मॉडल कौन सा जी? 2014 का ये मॉडल है, ठीक हो गया। ये आप बाइक्स देख सकते हैं ओवरऑल। अब आपको एक बाइक का साउंड सुनाते हैं, ताकि आप लोग कमेंट्स में ये ना कहें कि जी साउंड किसी बाइक का नहीं आया। ये देखिएगा, ये अभी ऑन कीजिए इन्होंने जी, सर ऑन कीजिएगा जी, बहुत हैवी साउंड है इसका। आपको इसमें से कौन सी पसंद आई है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बताइएगा इफ समवन बाय दिस पीस, अगर कोई बाइक खरीदना चाहे और वो खरीदता है, तो आफ्टर उसकी सर्विसेज के लिए भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह जो हो गए और मैकेनिक्स फैसिलिटीज़ वगैरह? जी, हमसे जो बाइक परचेज करता है तो सबसे पहले उसको जो फैसिलिटी मिलती है, एक तो उसको वारंटी मिलती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, हमारे पास वर्कशॉप सर्विस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आफ्टर सेल्स की हम पूरी उनको फैसिलिटी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। वी हैव स्पेयर पार्ट्स, हमारा स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट भी है, ओके। हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट भी है, ये आपने देखा होगा हमारे पीछे, हमारा ये सर्विस डिपार्टमेंट, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। और वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, राइट, वी हैव द पार्ट्स जो कि एक सर्विस के लिए, ऑयल्स वगैरह, फिल्टर्स वगैरह, ये सब पार्ट्स अवेलेबल है, बैटरी है, ठीक है, जितनी भी सर्विस की आइटम्स है वो सब हमारे पास डेली स्टॉक में अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हम डायरेक्ट उसकी बाइक अंदर ले लेते हैं इधर वर्कशॉप में, राइट, ठीक है। वर्कशॉप में अंदर हमारे पास जो है टेक्नीशियंस हैं, बिल्कुल ठीक है, विच इज़ वेल ट्रेन्ड, डेफिनेटली हार्ले के, बिल्कुल। एंड वो जो है इसको फिर सर्विस वगैरह करते हैं। ऊपर हमारा एक लाउंज बना हुआ है, कॉफ़ी लाउंज, जहाँ पर हम कस्टमर बैठ कर रिलैक्स करता है, कॉफ़ी पीता है। और हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ऊपर कि कस्टमर अपनी बाइक ऊपर बैठ के अपनी पूरी बाइक को सर्विस होता हुआ देख, ठीक है, कि उसके यहाँ पे कैमरे हैं वर्कशॉप में, और कस्टमर जो है ऊपर उसको अपनी बाइक को बनता है, इंजॉय कर सकता है, देख सकता है कि क्या, बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये द हार्ले स्टोर DHA फेज 8 में है, और दीज आर नंबर 1 बाइक इम्पोर्टर्स, आप यहाँ पे इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं न्यूली, हमारे पास बायबैक भी होता है, ठीक है, और ट्रेडिंग फैसिलिटीज भी है, बायबैक भी है, ट्रेडिंग फैसिलिटी भी है, लीजिंग फैसिलिटी भी, ठीक है। देखता है कि जी इफ समवन से इसके जी मुझे लीज करानी है बाइक, ठीक है, तो वो भी, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आपको उससे बायर से क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर लीजिंग? लीजिंग की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जाहिर सी बात है जो कस्टमर लेना चाह रहा होता है उसकी बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कंपनी लेटर होता है, डेफिनेटली, और NIC की कॉपी होती है, जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती है, या जो भी लीजिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट, सेम रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है, एंड दैट इज
उसकी बाइक फ्रीज हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा तो व्यूअर्स, ये था आज का हार्ले का हमारा रिव्यू, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो थी। और तारिक साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, तारिक साहब आपके टाइम का शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।